हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी सूजी ढोकला की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें सब्जियाँ हैं और बहुत कम तेल है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये मसाला ढोकला एक कंप्लीट मील है। ये एक परफेक्ट रेसिपी है सभी बिजी मदर्स के लिए और बैचलर्स के लिए भी। ये सूजी का ढोकला बनने में बिल्कुल सॉफ्ट है और आप देख कर बता नहीं सकते कि इसमें बेसन नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1/4 कप सूजी ले रहे हैं। इस सूजी में हम 2 कप छाछ या पतली दही डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने तब तक मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल एक सार ना हो जाए। इसमें 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और स्वाद अनुसार लाल मिर्च डालेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालिए। इसको फिर से एक बारी मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच तेल के डाल रही हूँ और यदि आप पसंद करते हैं तो इसमें हम थोड़ा पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं। इससे इस ढोकले का फ्लेवर थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। इसको हम ढककर 1/2 घंटे के लिए रख लेते हैं। सूजी को हम कम से कम 1/2 घंटे भिगा लेते हैं। एक साफ बर्तन में 1/4 कप मटर ले रही हूँ और इसको नमक के साथ उबाल लेते हैं। मैं एक साफ बोल ले रही हूँ। इस बर्तन में हम सब तरफ अच्छे से तेल लगा लेते हैं, इससे हमारा ढोकला इसमें चिपकेगा नहीं। मैं एक कुकर ले रही हूँ, इसमें 2 गिलास पानी डालें और एक जाली लगा लेते हैं। इस पानी को हम उबलने के लिए रख देंगे। इसी में हम अपना ढोकला बनाएंगे। हमारा सूजी का मिक्सचर अच्छे से भीग गया है। इसमें हम अपनी उबली हुई मटर डाल देते हैं। इसको एक बारी फिर से मिला लेते हैं। यदि आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप इसमें बारीक कटी हुई गाजर और फ्रेंच बीन्स दोनों डाल सकते हैं। इसमें अब हम 1/4 चम्मच इनो डालेंगे और इसको जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, वो बेल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। इस मिक्सचर को हम अपने स्टील के भगोने में या स्टील के बोल में जिसमें हमने तेल लगाया था उसमें डाल लेते हैं। हमारा पानी अच्छे से उबल रहा है। इसमें मैं इस भगोने को स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें सीटी नहीं लगाएंगे। इस ढोकले को बनने के लिए करीब 12 से 15 मिनट लगेंगे। 12 से 15 मिनट बाद हम इसको खोलकर देखते हैं। एक टूथपिक का टेस्ट करते हैं। मैं इसमें एक टूथपिक डाल रही हूँ। ये बिल्कुल साफ निकलनी चाहिए। ऊपर से छूकर देखते हैं, ढोकला बिल्कुल ऊपर से भी तैयार है। इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। इसको अब हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसके किनारे किनारों पर हल्का सा चाकू चला लीजिए ताकि ढोकले आराम से बाहर निकल जाएं। याद रखिए, आपने अपने ढोकले को थोड़ी देर ठंडे होने देना है।
फिर ही इसको बर्तन में पलटना है। एक साफ प्लेट ले लेते हैं, उसमें इस डब्बे को पलट लेंगे। जब तक हमारा ये ढोकला ठंडा हो रहा है, हम इसका बघार या तड़का बना लेते हैं। एक चम्मच तेल लेते हैं, इसमें एक बड़ी चम्मच हम मोटी सरसों डालेंगे। इस मोटी सरसों को अच्छे से चटकने देते हैं। इस ढोकले के बघार में आपको ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमने पहले ही पाव भाजी मसाला सूजी में डाला है। अब इसमें मुट्ठी भर कड़ी पत्ता डाल रहे हैं। यदि आप मिर्च पसंद करते हैं तो इस वक्त आप इसमें एक बड़ी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। जब कड़ी पत्ते अच्छे से भुन जाएं, तो हम इनको आंच में से हटा लेंगे। इनको हम अपने ढोकले के ऊपर डाल लेते हैं। यदि आपको मीठा ढोकला पसंद है तो आप इस समय हल्की चीनी घोलकर वो चीनी का पानी इन ढोकलों के ऊपर डाल सकते हैं, उससे इस ढोकले में हल्की मिठास आ जाएगी। आप यदि चाहें तो आप इन ढोकलों में ऊपर से कद्दूकस किया हुआ ताज़ा नारियल और भुनी हुई हरी मिर्च डाल सकते हैं। जब बच्चों के लिए बनाते हैं तो उनको ऊपर से मिर्च पसंद नहीं आती। हमारा मसाला ढोकला बनकर तैयार है। इन वेजिटेबल ढोकला को अब हम चकोर में काट लेते हैं। ये मसाला ढोकला एक कंप्लीट मील है। ये एक परफेक्ट रेसिपी है सभी बिजी मदर्स के लिए और बैचलर्स के लिए भी। इस ढोकले को देखकर आप बोल नहीं सकते कि इसमें बेसन नहीं है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है और इसके अंदर भरपूर पोषण है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं